हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न इजी। आज हम पढ़ेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम योर सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू, एंड इफ़ यू आर अपेयरिंग इन एनी काइंड ऑफ कंपटीशन लाइक सीटेट, डीएसएसएसबी, केवीएस, जो भी टीचिंग रिलेटेड एग्जाम्स हैं जिसके भी लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, ये टॉपिक बहुत बार आता है। ये क्लास 6 की एनसीईआरटी में ज्योग्राफी में भी मिलता है, तो हम इसको साइंस के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे। एंड फ्रेंड्स, जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें फॉर मोर सच वीडियोस। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन, वी ऑल्सो गेट मोटिवेशन फ्रॉम दिस। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट टॉपिक एज लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, मैंने दो पिक्चर्स डिनोट करी है, वन इज लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। फर्स्ट मैं आपको ब्रीफली मैं एक्सप्लेन करूंगी कि व्हाट इज लैटिट्यूड एंड व्हाट इज लॉन्गिट्यूड। बच्चे अक्सर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि नॉर्थ साउथ होता है तो लॉन्गिट्यूड होता है या लैटिट्यूड, या ईस्ट वेस्ट होता है तो लैटिट्यूड या लॉन्गिट्यूड। उसके बाद मैं आपको इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो है पैरेलल्स एंड मेरिडियंस, उसका एक्सप्लेन करूंगी, फिर हम वन बाय वन इनकी डिटेल में जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं लैटिट्यूड, लैटिट्यूड के नीचे मैंने लिखा है नॉर्थ साउथ। इसका मतलब है कि लैटिट्यूड वेरीज फ्रॉम 0 डिग्री एट द इक्वेटर टू 90 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ एट द पोल्स। आप जैसा कि देख सकते हैं, हमने ग्लोब को, ग्लोब हमारा अर्थ का जो ग्लोब होता है, उसको अगर हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, या तो हम नॉर्थ साउथ वाइज डिवाइड कर सकते हैं या फिर हम ईस्ट वेस्ट वाइज कर सकते हैं, राइट। तो लैटिट्यूड देख सकते हैं हम, जैसे पिक्चर में आपको दिख रहा होगा एक 0 डिग्री पे इक्वेटर है, राइट। उसका जो अपर पोर्शन होता है दैट इज कॉल्ड एज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एंड जो लोअर पोर्शन है इट इज कॉल्ड सदर्न हेमिस्फीयर। मोर ओवर आप देख सकते हैं 90 डिग्री नॉर्थ है, राइट, तो दैट मीन्स 90 डिग्री इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एंड आप देख सकते हैं 90 डिग्री साउथ, दैट मीन्स 90 डिग्री इन द सदर्न हेमिस्फीयर, राइट। सिमिलरली 45 डिग्री नॉर्थ दैट इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर and 45 डिग्री साउथ दैट इज 45 डिग्री इन सदर्न हेमिस्फीयर, राइट, ओके। अगर आपको अभी नहीं समझ आ रहा है कोई बात नहीं, जैसे जैसे मैं आगे वीडियो में बढ़ूंगी, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी है, प्लीज इसको एंड तक जरूर देखें। आपको लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड में कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, कैसे भी क्वेश्चन आए आप एग्जाम में क्लियर कर सकते हैं। हाउएवर, मैंने इस वीडियो में कुछ क्वेश्चंस भी इंक्लूड करे हैं जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं या जो मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक के पर्सपेक्टिव से। चलिए अब हम लॉन्गिट्यूड देखते हैं, वेस्ट ईस्ट, राइट। ऑन योर लेफ्ट साइड यू कैन सी द वेस्ट पोर्शन एंड ऑन योर राइट हैंड साइड यू कैन सी द ईस्टर्न पोर्शन। नाउ लॉन्गिट्यूड वेरीज फ्रॉम 0 डिग्री एट ग्रीनिच टू 180 डिग्री ईस्ट एंड वेस्ट। अब ग्रीनिच क्या होती है, ये बीच में एक लाइन होती है, राइट, आप देख सकते हैं हमने कर्सर मूव किया है, राइट, ये एक लाइन होती है जिसको हम कहते हैं ग्रीनिच। इसके डिटेल में आपको और आगे बताऊंगी कि ये क्या होती है, इसका एक्चुअल नेम क्या है। बस अभी आप ये समझ लीजिए कि वेस्ट ईस्ट एक ग्रीनिच लाइन है, राइट, ओके। अब जब हमको पढ़ना होता है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, तो हमें सबसे पहले कुछ टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं मेरिडियंस एंड सेकेंड टर्म इज पैरेलल्स। तो मेरिडियंस जो होती है वो हमारी लॉन्गिट्यूड में यूज होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये जो मैंने हाईलाइट करी है लाइन, ये ग्रीनिच लाइन है, राइट। सो एंटी मेरिडियन द ग्रीनिच ना 0 डिग्री, अभी आपको मैंने बताया ये साइड वेस्ट होती है और ये वाली साइड ईस्ट होती है, तो इसको और क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड ओस्ते, और ईस्ट को बोलते हैं लॉन्गिट्यूड लेस्ते। ये एक थोड़ा सा साइंटिफिक नेम है, इफ यू वांट यू कैन लर्न दिस एज वेल, ओके। अब हम बात करें पैरेलल्स। पैरेलल्स मतलब पैरेलल्स, पैरेलल लाइंस ड्रॉ करी है, ये कहीं मीट नहीं करेंगी, राइट, ये कोई भी लाइंस कहीं भी मीट नहीं करेंगी। सो 0 डिग्री नॉर्थ, 0 डिग्री साउथ। सो अपर पोर्शन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज कॉल्ड लैटिट्यूड नॉर्थे एंड लोअर पोर्शन इज कॉल्ड लैटिट्यूड सल, राइट, क्लियर। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने मेजर टॉपिक की तरफ, दैट इज लैटिट्यूड्स, राइट। अब आप देख सकते हैं मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करा कि इक्वेटर से ऊपर का पोर्शन उसे कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड इक्वेटर से बिलो पोर्शन को कहते हैं सदर्न हेमिस्फीयर, राइट। सो लैटिट्यूड्स आप देख सकते हैं 0 डिग्री से 90 डिग्री इंक्रीज करता है एज वी गो ऑन द टॉप, एंड as we go from 0 degree till -90, that we decrease, that is south pole, right? आइए इसके बारे में पढ़ते हैं, लैटिट्यूड्स होते क्या हैं, ठीक है? अब इसकी साइंटिफिक डेफिनेशन देखी जाए तो ये होता है, अ लैटिट्यूड इज एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर, राइट? मैंने अभी आपको बताया कि लैटिट्यूड्स हमेशा कैसे डिवाइड करा हमने नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर में, तो वो एंगुलर डिस्टेंस है। देख, याद है आपको फर्स्ट फोटो हमने करी थी जिसमें 45 डिग्री नॉर्थ एंड 45 डिग्री साउथ, तो वो क्या था, एक एंगुलर डिस्टेंस था जो इक्वेटर से वो बना रहा है, तो उसको हम बोलते हैं लैटिट्यूड, ठीक है फ्रेंड्स? ओके, अब मैं आपको ये बता दूं, देयर आर 180 पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। क्वेश्चन पेपर में आ सकता है कि पहला तो ये हो सकता है कि लैटिट्यूड्स में मेरिडियंस होते हैं या पैरेलल्स, तो बिल्कुल नहीं भूलेंगे आप सब, लैटिट्यूड्स में हमेशा पैरेलल्स होते हैं। एंड हमेशा ध्यान रखें कि 180 पैरेलल्स होते हैं, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो 180 पैरेलल्स होते हैं, ठीक है? अच्छा, अब ईच पैरेलल आपने देखा सर्कल बना रहा था, राइट? ईच पैरेलल ऑफ द लैटिट्यूड मेक्स अ सर्कल। नाउ थर्ड पॉइंट इसका है, ऑल पैरेलल्स आर नॉट ऑफ इक्वल लेंथ। क्यों सारे पैरेलल्स इक्वल लेंथ के नहीं होते? आपने देखा है कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ हमारा ग्लोब खत्म होने लग जाता है, तो इसका मतलब है द सर्कल्स बिकम स्मॉलर टुवर्ड्स द पोल्स। जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे, देखिए इक्वेटर है, जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हैं आपके सर्कल्स छोटे होते जा रहे हैं, एंड जैसे आप नीचे आते जा रहे हैं आपके सर्कल्स छोटे होते जा रहे हैं, राइट? ओके, इसमें एक पॉइंट और है कि डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड इज ऑलवेज इक्वल। पैरेलल्स की लेंथ इक्वल नहीं है, पर दोनों में जो डिस्टेंस है, ये देखिए जो दोनों पैरेलल, एक दो, इन दो पैरेलल्स के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल, राइट? एंड द लास्ट पॉइंट हियर इज the north pole and the south pole are fixed points and serve as a basic point of reference. ठीक है, क्लियर है? अच्छा, अब हम बात करते हैं, देखिए ये टेम्परेचर जोन करके टॉपिक है जो हमारा लैटिट्यूड से रिलेटेड है, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्यों? क्योंकि इससे लैटिट्यूड्स, मैंने आपको बताया सर्कुलर्स कटे होते हैं, इसी से ही हमारे टेम्परेचर जोन डिवाइड होते हैं, कौन सा सबसे ठंडा जोन है, कौन सा सबसे गर्म जोन है, कौन सा मोस्ट हॉट जोन है, राइट? ओके, तो अब हम टेम्परेचर जोन्स के बारे में बात करेंगे। मैं आपको एक एक टेम्परेचर जोन एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है? फिर आपको रिलेट करके दिखाऊंगी पिक्चर के साथ। मैं उससे पहले आपको कुछ चीज़ें थोड़ी सी बताना चाहती हूँ कि जो रीजन नियर द इक्वेटर आप देख सकते हैं, जो मैंने ऐसा कुछ लिखा हुआ है टॉरिड जोन। अभी आप ना समझे कि क्या होता है टॉरिड जोन, मैं इसमें आपको बता रही हूँ कि मैं किसके बारे में थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये टॉरिड जोन है जिसको डायरेक्ट रेज मिल रही है सन की, ठीक है? और डायरेक्ट रेज होती है जब कॉन्सेंट्रेट होती है स्मॉलर एरिया पे, तो अर्थ को हीटअप करती है जल्दी, ठीक है? अगर हम इक्वेटर से दूर चलते हैं, एज वी गो अवे फ्रॉम द इक्वेटर ड्यू टू कर्वेचर ऑफ द अर्थ, कर्वेचर मतलब गोलाई हमारी अर्थ की, sun's rays strike the earth's surface at an angle. Obviously बात है जब हमारी अर्थ सीधी नहीं है, tilted है at a certain angle, ठीक है? Angular distance पे tilted है, तो sun's rays strike करेगी किसी particular angle में, तो slanting rays जो होती है वो spread करती है heat larger area को, तो इसीलिए जो direct rays में जितनी heating होती है उसके comparison में heating slanting rays में sun की obviously कम होगी, right? फिर इसीलिए कहते हैं कि टेम्परेचर डिक्रीज होता है हम हमेशा जब इक्वेटर से अवे मूव करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर हम टॉरिड जोन से टेम्परेट जोन से फ्रिजिड जोन तक जाएं या टॉरिड जोन से टेम्परेट जोन या फ्रिजिड जोन तक आए, तो हमारा टेम्परेचर कम होता जाएगा। आप देख सकते हैं ये ब्लू पोर्शन है, तो ऑब्वियसली बात है नॉर्थ पोल है एनपी एंड दिस इज साउथ पोल, तो ये आप देख सकते हैं ब्लू, दैट मीन दीज आर द कोल्डेस्ट एरियाज, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल सन की रेज नहीं पहुँच पाती। चलिए आइए समझते हैं टॉरिड जोन होता क्या है। टॉरिड जोन क्या है? द रीजन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रिसीव्स डायरेक्ट सनलाइट थ्रू आउट द ईयर, ठीक है? इसका मतलब है टॉरिड जोन जो इक्वेटर के पास है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसके ऊपर है, ठीक है? एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कवर करता है। डायरेक्ट रेस पड़ती है, अभी मैंने आपको बताया डायरेक्ट रेस जब पड़ती है सन की तो वो रीजन ज्यादा गर्म होता है, तो इस एरिया को मैक्सिमम हीट मिलती है और इस एरिया को क्या बोलते हैं? टॉरिड जोन। देखिए ये वाला इक्वेटर और ये टॉरिड जोन, तो ये ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर। सो ये वाला पोर्शन, ऑरेंज पोर्शन जो है ये क्या है? टॉरिड जोन। अब बात करते हैं टेम्परेट जोन की। रीजन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड एंटार्क्टिक सर्कल इन द सदर्न हेमिस्फीयर आर लेस हॉट। ऑब्वियसली बात है, जब वो एंगल, किसी एंगल पे अर्थ टिल्ट होगी तो स्लैंटिंग रेज होंगी, तो वो लेस हॉट होंगी। दिस इज बिकॉज द एंगल ऑफ द सन्स रेज गोज ऑन डिक्रीजिंग टुवर्ड्स द पोल। अभी मैंने आपको यही चीज एक्सप्लेन करी कि जब अर्थ टिल्ट होती है, स्लैंटिंग रेज पड़ती है तो लार्जर एरिया पड़ती है, तो वो जल्दी गर्म नहीं होता। बट कंपेयर टू पोल्स, टेम्परेचर जोन जो होता है, टेम्परेट जोन जो होता है वो गर्म होता है, राइट। सो दीज एरियाज हैव मॉडरेट टेम्परेचर एंड आर देयरफॉर कॉल्ड एज टेम्परेट जोन्स। अब हम बात करते हैं, हम आपको एक्सप्लेन भी कर देते हैं फिगर के थ्रू। टेम्परेट जोन ये वाला है, दैट मीन्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर ऊपर एंड आर्कटिक सर्कल से नीचे नीचे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। हम बात करें इस वाले टेम्परेट जोन की, ये एंटार्क्टिक सर्कल से ऊपर ऊपर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से नीचे नीचे, तो दिस पोर्शन, सेकेंड रीजन, येलो पोर्शन। अब हम बात करें फ्रिजिड जोन जो ब्लू कलर में है। इट इज नियर द पोलर रीजन, द रेज ऑफ द सन आर वेरी स्लैंटेड एंड सो इट्स वेरी कोल्ड, राइट। सो ओके, अभी तक हमने पढ़ा लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, टेम्परेचर जोन्स कैसे डिवाइड होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लैटिट्यूड्स। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज़ लॉन्गिट्यूड्स। आप देख रहे होंगे जैसे फिगर पे, यू कैन सी सम ऑफ द डिग्रीज विच आई हैव रिटन ऑन द ग्लोब। यू कैन सी अ टर्म कॉल्ड एज प्राइम मेरिडियन एंड यू कैन सी एज वी गो फ्रॉम 0 डिग्री टिल 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स एक एरो बनी है। तो ये होते क्या हैं, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर लॉन्गिट्यूड्स। एंड फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक बटन ज़रूर हिट करें, हम लोग को भी मोटिवेशन मिलता है कुछ अच्छे काम के लिए। एंड जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए समझते हैं लॉन्गिट्यूड्स होते क्या है। अबाउट द लॉन्गिट्यूड्स, अ लॉन्गिट्यूड इज़ एन एंगुलर डिस्टेंस ऑफ द प्लेस ईस्ट टू वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन, राइट। आपने पढ़ा होगा, जब हम आपको लैटिट्यूड पढ़ा रही थी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि एंगुलर डिस्टेंस होता है नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर, मतलब अप एंड डाउन पोर्शन, दैट इज अपर इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द लोअर इज सदर्न हेमिस्फीयर, बट वो लैटिट्यूड होता है। लॉन्गिट्यूड क्या होता है? एंगुलर डिस्टेंस of a place from east to west, that is from your right to left or left to right of the prime meridian। जैसे equator globe को, earth को 2 equal parts में divide करता है, ऐसे prime meridian 2 equal parts में divide करता है, so the basis of left and right, ठीक है। अब आपको मैं इसीलिए क्यों कंपेयर करके बता रही हूँ लैटिट्यूड से, क्योंकि बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट है, देयर आर 360 मेरिडियंस ऑफ द लॉन्गिट्यूड्स। उसमें कितनी थी? 180 पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। तो याद रखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 360 मेरिडियंस होते हैं और वहाँ पे 180 पैरेलल्स होते हैं, राइट। और मैं बता दूँ आपको यहाँ पे ये चीज़ कि प्राइम मेरिडियन जो इक्वल पार्ट में अर्थ को डिवाइड करता है 2 पोर्शन में, इज़ अ लॉन्गिट्यूड ऑफ 0 डिग्री, इज़ अ लॉन्गिट्यूड ऑफ 0 डिग्री। देख सकते हैं मैंने लिखा मेरिडियन हैज़ अ वैल्यू ऑफ 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। हम बड़े नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, ऑल मेरिडियंस आर ऑफ इक्वल लेंथ, ठीक है। मैं उधर था कि पैरेलल्स, लेंथ, डिस्टेंस इक्वल होता है बट लेंथ इक्वल नहीं होती, क्योंकि वो नॉर्थ की तरफ जाते हैं या साउथ की तरफ जाते हैं तो सर्कल्स की लेंथ डिक्रीज होने लग जाती है, बट यहाँ पे ऑल मेरिडियंस आर ऑफ इक्वल लेंथ, ओके। And here I would like to add one thing more. The prime meridian is universally accepted as meridian that passes through old observatory at Greenwich near London and is often referred to as Greenwich meridian. तो आप याद रखें फ्रेंड्स यहाँ पे कि prime meridian का अदर नेम होता है Greenwich meridian। अभी हम कुछ क्वेश्चन भी करेंगे इस वीडियो में जिसमें आपको ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे प्राइम मेरिडियन दिया हुआ है या आपसे आंसर मांगा प्राइम मेरिडियन बट ऑप्शन में है नहीं, तो वहाँ पे Greenwich meridian right answer होगा, right? Now each meridian of the longitude is a semicircle, right? So latitude में each parallel of the latitude was a circle. Now here it is each meridian of the longitude as a semicircle. और मैंने आपको बता दिया लॉन्गिट्यूड की रेंज क्या होती है, 0 to 180 डिग्री। जैसा कि आप देख सकते हैं, दिस इज़ 180 डिग्री एंड दिस इज़ 0 डिग्री। तो ये आपकी रेंज है एक तरफ की और ये आपकी रेंज है दूसरी तरफ की, राइट, ओके। नाउ ये हो गया हमारे लॉन्गिट्यूड के पॉइंट, ठीक है। थोड़ा सा मैं समराइज करती हूँ पूरी हमने इस वीडियो में क्या समझा, क्या लैटिट्यूड्स होते हैं, क्या लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, अर्थ के कौन से पार्ट्स को हमने स्टडी करा है, ठीक है। देख सकते हैं जैसे कि आप स्क्रीन पे, दिस इज़ योर अर्थ, राइट, दिस इज़ द नॉर्थ पोल, दिस इज़ द साउथ पोल। साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल आर ऑपोजिट टू ईच अदर, ऑलवेज रिमेंबर ईस्ट एंड वेस्ट, सो ईस्ट एंड वेस्ट आर ऑपोजिट टू ईच अदर। सो ये बीच में जो लाइन है ईस्ट एंड वेस्ट डिवाइड करते हैं, दिस इज कॉल्ड एज इक्वेटर, राइट। और ये जो लाइन जो नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल डिवाइड करती है इसे क्या बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन। क्लियर फ्रेंड्स, अब आप यहाँ पे इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, जो इस तरीके की लाइंस होती हैं उसको क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड्स, और जो इस तरीके की लाइंस होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड। क्लियर है, चलिए ना कुछ फैक्ट्स है जो हमें याद रखने की बहुत ज़रूरत है कि क्यों ऐसा होता है क्वेश्चन एग्जाम में। जैसे देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि नाइट इज़ लॉन्गर दैन डे इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। नाइट इज, अब क्वेश्चन आएगा कि इन विच हेमिस्फीयर इज नाइट लॉन्गर, तो आप क्या कहेंगे, द नाइट इज़ लॉन्गर इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। नाउ सेकंड इज डे इज़ लॉन्गर दैन नाइट इन सदर्न हेमिस्फीयर, बिकॉज ये क्यों एग्जिस्ट करते हैं, ये दोनों पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि अर्थ इज टिल्टेड एट सर्टेन एक्सेस, ठीक है, एंगुलर डिस्टेंस है। तो जब सन की रेज पड़ती है तो वो किसी एंगल पे पड़ती है, जैसे आपको पढ़ाया था मैंने 45 डिग्री नॉर्थ और 45 डिग्री साउथ, राइट। सो डे इज़ लॉन्गर दैन नाइट इन द सदर्न हेमिस्फीयर, ओके। नाउ थर्ड इज द इनइक्वालिटी बिटवीन डे एंड नाइट इंक्रीजेज फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स। इसका मतलब है जब हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ, जैसे नॉर्थ पोल साउथ पोल की तरफ मूव करते हैं तो इनइक्वालिटी डे नाइट की बढ़ जाती है, क्योंकि जो पोल्स है वहाँ पे ज़्यादातर रात रहती है क्योंकि सन की रेस पूरी नहीं पहुँचती हैं, और जो इक्वेटर के पास होते हैं ज़्यादातर उसमें डे रहता है, नाइट कम होती है, या ड्यूरेशन ऑफ नाइट कम होती है, राइट। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं। आप चाहे एनसीईआरटी की साइंस उठा लीजिए, ज्योग्राफी उठा लीजिए, चैप्टर ये क्लास 6 का ज्योग्राफी का चैप्टर है, चैप्टर 3 है, और अगर आप कोई और बुक उठाएंगे तो आप देखेंगे इस तरीके के क्वेश्चन आने हैं, ठीक है। मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करती हूँ इस क्वेश्चन में। चलिए आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या कहता है, एन इमेजिनरी लाइन दैट सर्कल्स द अर्थ एट 0 डिग्री लैटिट्यूड इज कॉल्ड द। अब आप बताइए कि द इमेजिनरी लाइन, एंड प्लीज़ फ्रेंड्स जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट जरूर करें कि आपके कितने क्वेश्चंस राइट हुए थे। आई थिंक मैंने सिर्फ 5 to 6 क्वेश्चंस इसमें कवर करे हैं, राइट, ओके। एन इमेजिनरी लाइन दैट सर्कल्स द अर्थ एट 0 डिग्री लैटिट्यूड इज कॉल्ड द। तो फ्रेंड यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, प्राइम मेरिडियन। अभी मैंने आपको बताया 0 डिग्री, ठीक है। नॉर्थ एंड साउथ पोल जो हाफ अर्थ को डिवाइड कर रहा है लेफ्ट एंड राइट, दैट इज ईस्ट एंड वेस्ट, सो दैट इज प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन का अदर नेम क्या होता है, ग्रीनिच मेरिडियन, ओके। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एट 180 डिग्रीज लॉन्गिट्यूड, ध्यान रखिए लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड किसकी बात हो रही है, क्योंकि 180 डिग्री लैटिट्यूड में अलग मतलब होता है, लॉन्गिट्यूड में अलग मतलब होता है, तो 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड। विच इमेजिनरी लाइन सेपरेट्स वन डे फ्रॉम अनदर। नाउ लॉन्गिट्यूड में हमेशा कौन सी लाइन एग्जिस्ट करती है, इंटरनेशनल डेट लाइन, राइट, इंटरनेशनल डेट लाइन, जो अदर नेम क्या है किसका, ओके। थर्ड क्वेश्चन, What are the latitudes and longitude lines? मतलब ये क्या है, ये क्या अर्थ पे किसी ने बनाई है ड्रॉ कर, यहाँ पे ये अर्थ पे पहले से लाइन्स एग्जिस्ट करती हैं या कैसे। तो पहला ऑप्शन कहते हैं इमेजिनरी लाइन्स दैट डिवाइड द अर्थ, मतलब हम सोच सकते हैं ये लाइन्स। थर्ड सेकंड पॉइंट है विजिबल लाइन्स दैट डिवाइड द अर्थ, मतलब जो लाइन्स हम देख सकते हैं अर्थ पे बनी हुई। थर्ड लॉन्ग एंड शॉर्ट लाइन्स दैट डिवाइड द अर्थ, कोई ऐसी लंबी और छोटी लाइन जो अर्थ को कुछ पार्ट्स में डिवाइड करती है, कुछ भी ऑप्शन नहीं है। तो ऑब्वियसली फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, इमेजिनरी लाइन्स किसी ने ड्रॉ तो नहीं करी। Now those who have been to the old Royal Observatory at Greenwich near London must have seen कि वहाँ पे कोई लाइन किसी ने ड्रॉ नहीं करी। Just to make people understand कि what is prime meridian, उन्होंने इमेजिनरी लाइन थी उस पर हल्का सा चौक से कलर कर दिया, so that people it is visible। So कोई visible line नहीं है, वो imaginary line है, right? Okay. Now fourth, the main line of the longitude is called as, longitude की main line क्या बोलते हैं, longitude की प्राइम मेरिडियन, ग्रीनिच मेरिडियन, राइट, प्राइम मेरिडियन और ग्रीनिच मेरिडियन, ओके। फिफ्थ क्वेश्चन, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। टू लुक एट समथिंग ऑन द अर्थ यू वुड राइट द नंबर्स इन द फॉर्मेट जब हम अर्थ में लिखते हैं, आपने देखा होगा हमेशा लिखते हैं जैसे 30 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, राइट। फिर उसके बाद कुछ डबल कोट का नंबर होता है, फिर सिंगल कोट का नंबर होता है, तो राइट। तो वो क्या होता है जब हम किस फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, मिनट्स डिग्री सेकंड्स, डिग्रीज मिनट सेकंड्स, सेकंड्स मिनट्स डिग्रीज, डिग्रीज सेकंड्स मिनट्स। तो हमेशा याद रखिए जब हम टाइम बताते हैं तो हमेशा क्या बोलते हैं कि 4 घंटे 35 मिनट 10 सेकेंड, राइट, ऐसे बोलते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या आंसर होगा, डिग्री मतलब 4 घंटे मिनट्स 35 मिनट सेकेंड मतलब 10 सेकेंड, ठीक है। सो फ्रेंड्स, जिनको भी ये पांचों क्वेश्चन समझ आ गए हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड नाउ यू कैन ऑल्सो फाइंड अस ऑन फेसबुक एज लर्न ईजी, एंड यू कैन शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स। इन केस ऑफ एनी क्वेरी, प्लीज डू लीव योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन, राइट। सो थैंक यू एवरीबडी।